बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के निकाय चुनाव में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कमान संभाल ली है। केंद्रीय मंत्री ने बालोतरा में बीजेपी के निकाय चुनाव के घोषणा पत्र जारी कर कहा कि प्रदेश में इस बार निकाय चुनावों में बीजेपी अपना परचम लहराएगी। कांग्रेस के एक साल के कार्यकाल में जनता त्रस्त है और चुनावों में बीजेपी को जिताने का मन बना चुकी है। बीजेपी जनता से किए वादों पर खरी उतरी है। अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में एक बार फिर राजस्व मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मंत्री व उनके रिश्तेदार कंपनियों में लगे हुए हैं और स्थानीय युवाओं के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। और पार्टी में कार्यकर्ता सब टिकट मांगते हैं, लेकिन किसी एक पार्टी को टिकट मिलती है उसके बाद में सभी साथ में लगते हैं। और निश्चित रूप से आज बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो ये है कि एक समय हमारे यहाँ पर प्रत्याशी मिलते तक नहीं थे, लेकिन आज हमारे यहाँ पर कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें, जहाँ पर उनका हमेशा शासन रहता था, वहाँ पर उनके प्रत्याशियों की, चाहे वो विधानसभा के प्रत्याशी हो चाहे नगर निकाय हो, वहाँ पर उनके कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन आज उनको प्रत्याशी ढूंढने पड़ रहे हैं। ऐसे कई जगह जहाँ पर उनको प्रत्याशी नहीं मिले, दूसरे वार्डों से लाकर उनको खड़ा करना पड़ा। तो इसलिए कांग्रेस की स्थिति बहुत ही नाजुक है और भारतीय जनता पार्टी का हम बोर्ड बनाएंगे और सब मिलकर बनाएंगे। ऐसा कोई माई का लाल आरोप नहीं लगा सकता हमारे ऊपर। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ईमानदारी में विश्वास रखते हैं। और रही बात अगर कोई किसी पे आरोप लगाता है तो वो उनको आप पूछें, अगर साबित करें। और रही बात जो यहाँ पर कंपनी के ऊपर बात की है, तो जो आज वहाँ के तो कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनके ऊपर, तो शुरू से मैं खुद कहता आ रहा हूँ, तो उनका परिवार पूरा कंपनी के अंदर लगा हुआ है। कंपनियों के अंदर जिस तरह से एक यहाँ के स्थानीय नागरिक है और जो एक कंपनी आती है, तो निश्चित रूप से वहाँ के युवाओं को एक उम्मीद होती है कि वो रोज़गार हमें मिलेगा, और उसके आधार पर वो उनको उम्मीद होती है। और उसके बाद में अगर कोई जनप्रतिनिधि वहाँ जाकर अगर कोई काम लेता है और उनके अधिकारों को हनन करता है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये गलत है। जनप्रतिनिधि को सिर्फ उसकी सेवा करनी चाहिए और जिस उम्मीद के साथ में जनता ने जीता है उनके भरोसे के ऊपर खड़ा उतरना चाहिए। इसलिए मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, आज कोई किसी के ऊपर दाग नहीं है। ये आरोप लगाना तो कोई किसी पर, सबको स्वतंत्रता, कोई कुछ नहीं करता।